आईसीएसई बोर्ड से एफिलिएशन प्राप्त करने वाला दरभंगा जिले का दूसरा विद्यालय बना दरभंगा जूनियर पब्लिक स्कूल। जी हां, रामबाग स्थित दरभंगा जूनियर पब्लिक स्कूल को आईसीएसई बोर्ड से 10वीं तक की मान्यता मिल गई है। विदित हो कि इस बोर्ड से एफिलिएशन प्राप्त करने वाला यह जिले का दूसरा और राज्य का 54वां स्कूल बन गया है। प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए विद्यालय की प्राचार्या शालिनी कुमारी ने कहा कि स्कूल में 9वीं की पढ़ाई शुरू कर दी गई है और अगले साल 10वीं कक्षा की पढ़ाई प्रारंभ कर दी जाएगी। उन्होंने बताया कि विद्यालय में पहले भी 8वीं तक की पढ़ाई आईसीएसई पाठ्यक्रम एवं पाठ्य विवरण के अनुरूप ही की जा रही थी। मान्यता मिलने के बाद 9वीं और 10वीं कक्षा शामिल होने से छात्रों, अभिभावकों व शिक्षकों में उत्साह का माहौल है। विद्यालय के निदेशक विशाल गौरव ने कहा कि जिले में मैडोना इंग्लिश स्कूल के बाद दरभंगा जूनियर पब्लिक स्कूल का आईसीएसई बोर्ड से मान्यता प्राप्त करना इस बोर्ड के इकोसिस्टम को शहर में बेहतर करेगा। उन्होंने कहा कि सीबीएसई की तरह आईसीएसई भी देश का एक बेहतरीन बोर्ड माना जाता है और दोनों बोर्ड के स्कूल होने से अभिभावकों के पास विकल्प भी उपलब्ध होंगे। ये हमारे यहाँ ऑलरेडी आईसीएसई चल रहा था, ये स्कूल आईसीएसई का ही करिकुलम फॉलो कर रहा था। फर्क ये है कि जब 8वीं तक आप स्कूल को रन करते हैं, संचालित करते हैं, तो आपको अनुमति सरकार से चाहिए होती है, बोर्ड से नहीं चाहिए होती है। लेकिन जब आप 9वीं और 10वीं में भी उस करिकुलम को फॉलो करना चाहेंगे तो आपको बोर्ड से अनुमति चाहिए। और इसीलिए हम लोगों ने ये जो अभी एफिलिएशन लिया है आईसीएसई से 9th और 10th के लिए, 8th में तो हमारे यहाँ पहले भी वही किताबें चल रही थी और आईसीएसई को ही हम लोग फॉलो कर रहे थे। तो बच्चे हमारे यहाँ नर्सरी से लेकर 8th तक ऑलरेडी पढ़ रहे थे पहले से। हमारे यहाँ केवल इस बार क्लास 9th हम लोग उसमें ऐड करेंगे। ज्यादातर क्लासेस तो हमारे यहाँ सीट नहीं है, ठीक है, और ये अभी की बात नहीं है, इसका एफिलिएशन से भी कोई सरोकार नहीं है। जनवरी में ही ज्यादातर क्लासेस में सीट्स फुल हो चुकी थी और मुझे लगता है एक या दो क्लास है जहां पर कि हमारे पास सीट्स हैं। उसके लिए हम लोग एडमिशन टेस्ट लेते हैं, बच्चे जो क्वालिफाई करेंगे उसका एडमिशन होगा। सर, जहां हम लोग रामबाग स्थित दरभंगा जूनियर पब्लिक स्कूल की बात कर रहे हैं, वहां पर हमारा आईसीएसई का ही स्कूल है, लेकिन इसी स्कूल प्रबंधन के द्वारा एक दूसरा स्कूल भी संचालित किया जाता है जो कि दिल्ली मोड़ पर दरभंगा पब्लिक स्कूल के नाम से जाना जाता है, वहाँ सीबीएसई बोर्ड फॉलो है उसका। देखिए, जैसे मान लीजिए 7वीं कक्षा में किसी बच्चे ने एडमिशन टेस्ट के लिए अप्लाई किया है, तो हम लोग क्लास 6th का जो सिलेबस है वो पूछते हैं, ये समझना चाहते हैं कि जो क्लास में एडमिशन ले रहा है उसके पिछले क्लास की जो नॉलेज जितनी उसको चाहिए अगला क्लास समझने के लिए वो उसके पास है। हमारी टीम पूरी तरह तैयार है अपने को प्रेजेंट करने के लिए, क्योंकि हम लोगों ने एक साल पहले ही इस पे काम करना शुरू कर दिया था और टीचर्स की टीम बाहर से हमारे पास यहाँ से बहुत ही बेहतरीन है, इसलिए चैलेंज को हम एक्सेप्ट करने के लिए रेडी हैं। आईसीएसई अपनी तरफ से तो कराते ही हैं, हम लोग स्कूल में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं छोड़ने वाले जिसकी पेरेंट्स को उम्मीद है या बोर्ड चाहता है। मैंने कहा ना, एक साल पहले ही से हम लोगों ने जब ये इंट्रोड्यूस किया था उसके पहले ही लगभग 40 टीचर्स हम लोगों ने रिक्रूट किए थे उस क्राइटेरिया के अनुसार जो हमारे आईसीएसई बोर्ड में पढ़ा सके, और वो आप कहीं भी सुन सकते हैं। मतलब इसमें मैं जस्ट ऐड करूंगा जो मैम ने कहा है, अगर कोई एक चीज है, हम लोग तो सैकड़ों हजारों चीजें करते हैं, अगर कोई एक चीज है जिसके ऊपर हम लोगों का सबसे अधिक मेहनत और प्रयास होता है तो वो होता है टीचर रिक्रूटमेंट। मुझे नहीं लगता है कि हम लोग उससे ज्यादा अधिक मेहनत किसी दूसरी चीज पे करते हैं, क्योंकि किसी भी शैक्षणिक संस्था की जो रीढ़ की हड्डी होती है वो शिक्षक ही है। हम लोग बिल्डिंग और जो कंप्यूटर और लाइब्रेरी और लेबोरेटरी है ये सब चीजें पूरक हैं, लेकिन अल्टीमेटली जो किसी भी शिक्षण स्थान का जो उसकी आत्मा है वो उसके शिक्षक ही होंगे। इसलिए सबसे अधिक मेहनत हम लोगों का रिक्रूटमेंट पे टीचर्स पे ही होता है, कोई चेंज नहीं है। हम लोगों का जिस तरह का फीस था वैसा ही रहेगा, उसमें कोई कुछ भी 0% चेंज है। इसके लिए जो हमारे यहाँ बच्चे पढ़ रहे हैं उनके पेरेंट्स के लिए यही कहना चाहूंगा कि पहले तो थैंक यू वेरी मच, आप लोगों का विश्वास जो है हम लोगों की का हौसला था कि आप लोगों ने उस वक्त भी हम पर विश्वास किया जब ये स्कूल एफिलिएटेड नहीं था और आपने तमाम विकल्प होने के बावजूद इस स्कूल को चुना है। इसलिए वो चुनाव जो है वो हमारी जिम्मेदारी है और उस जिम्मेदारी पर खड़ा उतरने के लिए हम लोग सतत प्रयासरत थे
और सतत प्रयासरत रहेंगे। थैंक यू।